अपनी तमाम मांगों को लेकर शहर के 11 संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बर्डी में जमकर आंदोलन किया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। तीनों किसान विरोधी कानून रद्द करें, फसल को हमी भाव कर कायदा करें, बिजली बिल विधेयक 2021 वापस लें, कामगार कायदों को रद्द कर बनाएं 4 करोड़ वापस लें, पेट्रोल डीजल गैस अन्य वस्तुओं की दर वृद्धि कर जनता को लूटना बंद करें आदि मांगों को लेकर मोदी सरकार के विरोध में सीताबर्डी गांधी पुतले के पास तीव्र आंदोलन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद नागपुर बंद का आह्वान करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, माकपा, सीटू, भाकपा, समाजवादी पार्टी, किसान शेतकरी सभा, आम आदमी पार्टी, आरपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि कई संगठनों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन को लेकर आंदोलनकारियों ने BCN समक्ष बातचीत की है। तमाम पार्टियों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ आज यहाँ पे वैरायटी चौक पे आंदोलन किया जा रहा है। भारत बंद का आह्वान किया गया है। तकरीबन 18 से 20 ऐसी संस्थाएं हैं, संगठन है, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस आंदोलन में। हम सीधा रुख करना चाहेंगे, कुछ पार्टी के नेता यहाँ पे है, उनसे ही जानना चाहेंगे आखिरकार उनका क्या कहना है। अरुण लाटकर इस समय कॉमरेड हमारे साथ में। लाटकर साहब, जिस प्रकार से आज ये कामकाज किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, केंद्र के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये 10 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन अभी ज़्यादा तौर पर परिपक्व होते जा रहा है। पहले किसान अकेले लड़ रहे थे, बाद में मजदूर आए, अभी 19 पॉलिटिकल पार्टियां, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसके बाद आपका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनके सहित 19 पॉलिटिकल पार्टियाँ, जिसमें आप पार्टी है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टियाँ है, ये सब आंदोलन आगे चल के हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार इनके साथ बात करके ये तीनों कृषि कानून पीछे ले ले। कृषि कानून पीछे ले, ऐसा इनका मानना है। दुनेश्वर पेठे इस समय हमारे साथ में। पेठे जी, जिस प्रकार से ये जो आंदोलन किया जा रहा है, आज पहली बार मंच पर इतनी सारी पार्टी आई हुई है, यदि आपके मांगों को दरकिनार किया गया केंद्र सरकार की ओर से, तो आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? ये जो पिछले 10 सालों से किसानों को, किसान वहां 10 महीने से जो किसान अपने वाले वो किसान भाई जो रास्ते पे बैठे हुए, उनका किसी भी प्रकार की ये सरकार, वो पिछले 7 साल से जो सरकार आई है, पूरे देश के जनता को ऊपर आघात से आघात करते जा रही है। अगर ये सरकार आज के ये सांकेतिक आंदोलन में अगर ये ध्यान नहीं देती, तो इसके बाद में बड़े पूरे नागपुर रहे या पूरे देश रहे, वो पूरे देश में आंदोलन होंगे। तो आपके दुनेश्वर पेठे, जिन्होंने बखबीर बेबरी से बात करते हुए कहा कि सरकार ने अगर इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में पूरे भारत में इस प्रकार के आंदोलन किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इनके आंदोलनों को न्याय मिलता है या यूं ही आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। नहीं, कांग्रेस वेळेवर नाही। कांग्रेस नागपूर शहरातल्या 18 ब्लॉक मध्ये बंदचा समर्थनार्थ आज रॅली काढून लोकांना विनंती करून झाली आहे। आणि आमची जे 18 ब्लॉक्स आहे, प्रत्येक विधानसभामध्ये 3 प्रत्येक ब्लॉक अध्यक्ष त्या भागातल्या लोकांना संग्रहित करून लोकांना विनंती करत आहे की या मोदी सरकारनं जो शेतकऱ्यांच्या विरोधात जे 1 वर्ष झाला आज आंदोलनाला बसले आहे, आणि मोदी सरकार टसचे मस होत नाही आहे, आणि या देशाची स्थिती, पेट्रोल डिझेल गॅसचे दरवाढ आणि सगळ्यासाठी वर्षभर आंदोलनं करून मोदी सरकार जागा होत नाही आहे, आणि म्हणून या लोकांना नम्र विनंती आहे आमची की आपण आजचा दिवस निषेध म्हणून सर्व आपले व्यावसायिक प्रतिष्ठानं बंद ठेवावे, यासाठी काँग्रेस कार्यकर्ते ब्लॉक वाईज सगळ्या गल्ल्या गल्ल्यामध्ये फिरत आहेत। असं वाटतं की तुरळक ठिकाणी सुरू आहे। आमची भूमिका लोकांना विनंती करण्याची आहे, आमची लोकांना नम्रपणे विनंती करून आम्ही बंद करण्यास सांगत आहे। आम्ही कार्यकर्त्यांना निर्देश दिले आहे की कुठलीही अनुचित घटना घडू नये, जनतेला व्यापाऱ्यांना त्रास होऊ नये, स्वेच्छेने जो बंद करेल त्याला हात जोडून बंद करण्यात लावा, ही आमची भूमिका आहे। क्या कहना चाहोगे, क्या प्रमुख मांगे आपकी? कोई भी देश का जो प्रधानमंत्री होता है, हाँ, बाहर जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का नेता होता है, और भारत की 80% जनता या किसानी पे जिंदा है। 10 महीने से लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और पूरा दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि माननीय मोदी जी
और उनकी सरकार 10 महीने से इनके मांगों को नजरअंदाज कर रही है। लोकतंत्र की हत्या है। मोदी जी को इस बारे में ध्यान आकर्षण करने के लिए पूरे भारत में भारत बंद किया जा रहा है। नागपुर एक महत्वपूर्ण शहर है। नागपुर की 11 पार्टियां आज के बंद में शामिल है। हम ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि नागपुर इस सरकार का बौद्धिक केंद्र है और नागपुर अगर बंद होता है तो बड़ा मैसेज जाएगा। यह संदेश हम मोदी जी को भेजना चाहते हैं। सीतामढ़ी से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज नागपुर।